Hello and welcome back. In this series, we are going to discuss the MCQs for GK PSC KS 2022. Practice session का हमारा आज पहला set होगा, जिसमें हम important questions को discuss करेंगे. So let's begin today's session. The question number and one is, South Asia Economic Focus has recently been released by. Option one is World Bank. Second, Reserve Bank of India. Third, International Monetary Fund. D, Asian Development Bank. Question हमसे South Asia Economic Focus के बारे में बताता है और हमसे पूछता है कि कौन सी ऐसी international body है जिसने इसे release किया. The answer of this question is option one, that is World Bank. World Bank ने South Asia Economic Focus को release किया. इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है जो इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड बैंक की, जो आपको रिमेमराइज करनी पड़ेंगी. द फर्स्ट इज़ ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी वर्ल्ड बैंक जो है रिलीज़ करता है. इसके अलावा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये भी वर्ल्ड बैंक ही रिलीज़ करता है. एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पब्लिकेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स. ये तीन आपको इम्पॉर्टेंट याद होने चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जिसको वर्ल्ड बैंक रिलीज़ करता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक. वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को कौन सी इंटरनेशनल बॉडी रिलीज़ करती है? ऑप्शन वन इज़ वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है, इसकी पब्लिकेशन को रिलीज़ करता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड. इसके अलावा आपको एक और इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट याद रखना पड़ेगा जो कि IMF रिलीज़ करता है, एंड द नेम ऑफ द रिपोर्ट इज़ ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट. So the answer of this question is option B. Moving to the next question, the question number 3 is, E2025 initiative of WHO is related to which of the following? एक initiative है जिसका नाम है E2025. क्वेश्चन हमसे पूछता है कि ये WHO ने रिलीज़ किया, ये किस बीमारी के साथ रिलेटेड है. ऑप्शन वन इज़ कोविड, बी मलेरिया, सी पोलियो, डी डेंगू. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन बी. WHO ने E2025 इनिशिएटिव लॉन्च किया जो कि अगेनिस्ट है मलेरिया के. इसमें मलेरिया के ट्रांसमिशन को डिक्रीज़ करना है इन 25 आइडेंटिफाइड कंट्रीज़. जो मलेरिया की ट्रांसमिशन है उसको डिक्रीज करना है इन 25 आइडेंटिफाइड कंट्रीज. सो यू नीड टू रिमेंबर, E2025 इनिशिएटिव है मलेरिया का बाय WHO. द क्वेश्चन नंबर एंड 4 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स फिक्स्ड द सीलिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ऑप्शन वन इज 87th अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड इज 91st अमेंडमेंट एक्ट, थर्ड 101 अमेंडमेंट एक्ट और 71st अमेंडमेंट एक्ट. क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ है, उनकी सीलिंग पे लिमिट कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने लगाई. अगर बात करते हैं इस क्वेश्चन की, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी. 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने सीलिंग लगाई, एंड अकॉर्डिंग टू दिस जो टोटल नंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो एक्सीड नहीं होने चाहिए मोर देन 15%, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम द ज्योग्राफी. द क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्यूरिल आइलैंड डिस्प्यूट विच सरफेस्ड रिसेंटली, ये डिस्प्यूट किन कंट्रीज के बीच में है? ऑप्शन वन इज जापान एंड रशिया, बी जापान एंड चाइना, सी साउथ कोरिया एंड चाइना, डी फिलीपींस एंड चाइना. ये जो डिस्प्यूट है, दिस इज़ बिटवीन द कंट्रीज जापान एंड रशिया.
द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ ऑप्शन वन. बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है जो डिस्प्यूटेड है बिटवीन रशिया एंड जापान, एंड इन आइलैंड्स को हम क्यूरिल आइलैंड डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट रिगार्डिंग रामपा रेबेलियन. दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स है जो रामपा रेबेलियन के रिलेटेड है, हमें बताना है कि इन दिए हुए स्टेटमेंट्स में कौन करेक्ट नहीं है. ऑप्शन वन इज इट वॉज एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज इन रिस्पॉन्स टू द 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट. ये एग्जैक्टली सही है, ये एक एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी थी जो रिस्पॉन्स की थी, जो लोगों की तरफ से थी. क्यों? क्योंकि 1882 में मद्रास फॉरेस्ट एक्ट आया जो कि लोगों की डिमांड्स के खिलाफ था, एंड दैट वॉज अगेंस्ट द कॉमन पीपल. द सेकेंड इज इट इज़ ऑल्सो नोन एज मनायाम रेबेलियन. एग्जैक्टली इस रामपा रेबेलियन का दूसरा नाम जो है दैट इज़ कॉल्ड एज मनायाम रेबेलियन. ऑप्शन सी इज अलोरी सीताराम राजू वॉज एमंग मेन लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट. बिल्कुल, अलोरी सीताराम राजू वॉज द लीडर हु वॉज लीडिंग द प्रोटेस्ट. एंड द लास्ट वन इज इट लेड टू नेशनल वाइड रिवोल्ट. देखिए, ये नेशनल वाइड रिवोल्ट तो नहीं था, ये एक लिमिटेड रिवोल्ट था, तो दिस ऑप्शन इज नॉट राइट. एंड एक्चुअली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी विच सेज दैट इट इज़ अ नेशनल वाइड रिवोल्ट. क्योंकि क्वेश्चन हमसे पूछता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सही नहीं है. पहले तीनों सही है एंड लास्ट सही नहीं है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू उड़ान स्कीम. उड़ान स्कीम के रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें इनके बारे में बताना है कि कौन सा करेक्ट है. द फर्स्ट इज इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप इंटरनेशनल एंड रीजनल एविएशन मार्केट. द सेकेंड इज फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फ्रॉम द सेंटर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एयरपोर्ट ऑपरेटर्स आर एक्सटेंडेड टू सिलेक्टेड एयरलाइंस. इनमें से जो स्टेटमेंट सही है दैट इज स्टेटमेंट टू इज ऑनली करेक्ट. इफ वी टॉक अबाउट द आंसर्स देन द ऑप्शन बी इज ऑनली करेक्ट. अब ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट क्यों नहीं है, इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसे हैं. असल में जो ऑब्जेक्टिव उड़ान स्कीम का है, इसका ये है कि टू कनेक्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज की स्टीज को कनेक्ट करना है बिग स्टीज के साथ. इसका कहीं पे ये मकसद नहीं है कि इंटरनेशनल एंड रीजनल एविएशन मार्केट को बढ़ाए. इट इज़ रिलेटेड टू द कनेक्टिविटी, जिसमें हम स्मॉल एंड मीडियम स्टीज की कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे जब उनको बड़ी स्टीज के साथ लिंक किया जाएगा. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ऑप्शन वन इज इट हैज़ बीन इन कॉन्टिन्यूएशन अलॉन्ग विथ नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम. सेकेंड इज इट प्रोवाइड कंप्रहेंसिव इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट द फेलियर ऑफ क्रॉप्स. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, द ओनली स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट. चूँकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक इंसेंटिव प्रोवाइड करता है क्रॉप्स को, क्रॉप ओनर्स को, कि इन केस ऑफ फेलियर हम आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे. ऑप्शन वन इज नॉट करेक्ट. ये कोई कंटिन्यूएशन नहीं है स्कीम की, इट्स अ सेपरेट स्कीम दैट वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इसका एम यही था कि ये फार्मर्स को एक इंसेंटिव प्रोवाइड करें और इनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करें. So the answer of this question is option B, that is second only. Now the next question is recently एक news term news में है, that is Bernardini Bernstein. तो ये क्या है, क्या ये एक सुपर कंप्यूटर है या एक कॉमेट है, रॉबोट है या एस्टीरियोराइड है. अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की, तो Bernardini Bernstein एक कॉमेट है जिसको दो फिजिसिस्ट्स Bernardini और Bernstein ने डिस्कवर किया था. ये आज तक का सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कॉमेट है जिसको नासा ने फाइंड किया, एंड द साइज ऑफ दिस कॉमेट इज 81 माइल्स वाइड. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज अ कॉमेट. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. The statement first is western disturbances that affect India originate in Indian Ocean. Second, rabi crops always benefit from westerly jet streams.
इससे पहले भी आपको पता है जब भी कभी स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट लेता है लाइक ओनली ऑलवेज तो वो यूजुअली रॉन्ग होता है। जिस तरह ऑलवेज टर्म यहाँ पे इस्तेमाल होती है यू कैन ईजिली एक्सक्लूड दिस एंड दिस फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो अफेक्ट इंडिया को करते हैं ये इंडियन ओशन में ऑरिजिनेट नहीं होते। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी दैट इज़ नाइदर फर्स्ट और टू। होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो गई होगी। इफ़ यू वॉन्ट दैट आई शुड कंटिन्यू दिस सीरीज़ प्लीज़ शेयर एंड लाइक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।